आज आपको एक ऐसे मेले में लेके जाऊंगी जिसको शादी के मेले के नाम से जाना जाता है। ये है उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट के कुचरों में होगा, जिसके पास ही एक गांव है बिस्वानाकन। वहाँ पर हर ठंडे के महीने में ये शादी का मेला लगता है। ये ट्राइबल मैरिज है, इसलिए बहुत दूर दूर से ट्राइबल लोग आते हैं यहाँ पर शादी बनाने के लिए। अपन जो यात्रा बाहर हुए सर कमी हुए बाहर तक मन राज्य नहीं आसबे पचर आम बुझा बुझी बेदी बेदी पचर हुए तो ये बाहर आपण साही पड़ीसा कि घर लोक मैंने समस्त राजी हूँ कहीं विरोध करते ना समस्ते आम डका डकी ये गाँव आम जी खावा पीवा नुह समस्ते बुझा कत कथबार्ता कर। ये लोग बहुत ही गरीब है जो कि दहेज दे के शादी नहीं कर सकते, ये भी एक कारण है इस शादी के मेले में शादी करने के लिए। कितनी है बाहर सी तापरे बहुत पसंद करला ताकू पसंद करली तापरे हम आसलु आ घर को ता घर को तापरे हमको बाहा कर देले। अपन को जो यात्रा रे राजी रुजा बाहर कितनी भल लगे एमती तो बोलो नु तो हम तो केते दिन रु बाटरे गाटरे चिन्हा परसरे एमती हम जो गाड़ी मोटर हम जेंदी चालू जु जीवा आसी बारे ଭଲ ପାଇବା ସ୍କୁଲ୍ଠୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ କ୍ଲାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ କିଏ ଆମେ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇ ଇଏ ମେଟ୍ରିକ୍ ନ ପାସ୍ କରି ବାହାଘର ହେଇଛୁ ଆଉ। ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହୁଏ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି ବିରୋଧ କରନ୍ତିନି କେବେ? ଏମିତି ତ ବାପା ନା ବାପା ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ କୁହନ୍ତି କାହିଁ ପୁଅ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା କାହିଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି କାହିଁ ବୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ट्राइबल लोग और एक तरह भी शादी करते हैं जिसमें उनको बहुत सारी दहेज देना पड़ता है। गरीब होने के कारण से ये लोग दहेज नहीं दे पाते, इसीलिए अपने पुराने ज़माने के इस परंपरा को मानते हुए हर लड़का लड़की इस शादी के मेले में एक दूसरे का हाथ पकड़ के शादी करते हैं। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट से सरिता बिस्वा।